रूप हमारा मर्दाना, रूप हमारा मर्दाना, आदत से जनाने हो गए। खुदा ने हमको बनाना था क्या, और क्या से क्या हम हो गए। हम है कौन, कौन ये क्या है, ये कहा है, हमारी समझ में ना आ रहा। हम है यदवंश के भाड़, भाड़ खाते हैं खीर शक्कर और खाण, और साथ में रखते हैं दो दो, और सरकार की तरफ से छूटे हुए हैं। हाँ जी सुनिए, हम बड़ी बड़ी परेशानी से यहाँ आए हैं। परेशानी से? हाँ जी। कहाँ परेशानी है तो? हम आए हैं कहाँ से, कहाँ से? लखनऊ। लखनऊ? हाँ ये नहीं, लखनऊ। लखनऊ से आए हो? यानी जिसका ऊ बनाने में उल्लू जैसा मुंह हो जाए उसे ही कहते हैं लखनऊ। जब ही आपका मुंह उल्लू जैसा है। अच्छा, यानी कि जिस नाम को लेने में उल्लू जैसा मुंह हो जाए उसे कहते हैं लखनऊ। हाँ जी, जिसको ऊ बनाने में उल्लू जैसा। सुनिए, हमने सुना मैया यशोदा के गृह में 85-15 साल में एक लाला। 80 साल 15 साल क्या है, 85-85 वर्ष। अच्छा 85-85। हाँ, ओह माय गॉड, ये बात है। 85-85 साल में एक लल्ला का जन्म हुआ है। सही सुनिए तने। तो क्यों नहीं, मैया के तार टेलीफोन दोनों मेरे पास में पहुंचे। अच्छा, और हमने सुना मैया यशोदा के गृह में एक लल्ला का जन्म हुआ है। अगर भाड़ देवता जी आप वहाँ नहीं पहुँचे तो जो लाला की खुशियाँ हैं वो अधूरी रह जाएंगी, इसलिए हम पूरी करने आए हैं। कैसे आए हैं आप? हम पहुँचे स्टेशन पर, स्टेशन पर लखनऊ के स्टेशन पर पहुँचे। हमने सिटी को पूछा। किसको? सिटी। सिटी का टीटी। हाँ, वही टीटी को पूछा कि भाई मथुरा को जाने वाली कोई गाड़ी है? तो सिटी ने कहा कि मथुरा को जाने वाली जितनी गाड़ी है वो सारी निकल चुकी है, अब आप कैसे जाओगे? मैंने कहा कि भाई मौका मजबूरी है और मथुरा जाना जरूरी है, जरूरी है, इसलिए हमारी कैसे भी व्यवस्था बनाओ। अच्छा जी। तो टीटी ने कहा एक मालगाड़ी आ रही है। अच्छा। उसका तुम इंतजार करो। जैसे ही मालगाड़ी आई तो टीटी ने क्या किया, क्या किया? एक बड़ा सा बोरा लाया, उसमें हमको घुसेड़ दिया, ऊपर से पैक कर दिया, मालगाड़ी आई उसमें पार्सल कर दिया, रख दिया तुमको। अब गाड़ी चलने लगी। कैसे चल रही है? कैसे? माल सारा निकाल के पटक दिया। एक बात बताओ, ये ट्रेन चल रही थी या घोड़े? तुम्हारे समझ में क्या लग रहा है? घोड़े समझ में आ रहे थे। चलो जो भी है, हम तो ट्रेन से आए थे। अच्छा। और जैसे ही सारे लोग अपना अपना माल उठाकर ले गए, हम वहीं के वहीं पड़े रहे, पड़े रहे। हाँ, कुछ देर के बाद में क्या होता है, क्या होता है, जब हमारा कोई धनी धोरी नहीं दिखाई दिया तो हमारी बोली लगना शुरू हुआ। कैसे? 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 ये माल किसका है? ये माल? अरे तुम तो गिर रहे हो। लाते पड़ रही थी। अच्छा, लाते पड़ रही थी। लाते तो पड़ रही थी, परंतु जो लाला का जन्म हुआ उस
उसके किसी में मुझे महसूस नहीं हुआ। वाह, ये महसूस नहीं हुआ। और जब मुझ में ज्यादा ही लातें पड़ने लगी फिर मुझसे सही नहीं हुआ। हमने बोरा को फाड़ दिया और हमने कहा ये माल हमारा है। ऐसे ऐसे हम यहाँ परेशानी से आए हैं। अच्छा, तो हमें ये बताओ कि गोकुल गांव यही है? बिल्कुल यही है, बधाई गौरी। अच्छा, ये बताओ पहले। हाँ, तुम हो कौन? हमें है भाड़ देवता। भाड़ देवता? भाड़ देवता? देवता तो ऊपर नहीं, तू नीचे का कर रहे हो? सुनिए, ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, ये तो आपने सुने ही है, पूजा भी करते हैं। पर इनकी पूजा करने से बहुत समय में फल मिलता है। अगर भाड़ देवता की कृपा हो जाए, अगर भाड़ देवता की कृपा हो जाए तो कुछ ही दिन में वरदान मिल जाता है। जैसे कि कितने दिन में? मैं बता रहा हूँ, दिल्ली चांदनी चौक घंटाघर के पीछे लाला लखपत राय की दुकान थी। दुकान थी जी, वहाँ लाला लखपत राय बैठे बैठे मक्खियों को मार रहे थे और पंखों को उखाड़ रहे थे। मक्खी मारने का ठेका ले रखा था? नहीं, ठेका नहीं, वो उदास थे। अच्छा, उदास थे जी। जब हमने पूछा कि लाला लखपत राय जी आप इतने उदास क्यों हो, तो लाला लखपत राय कहने लगा कि भाड़ देवता जी आपकी कृपा से मेरे पास में सब कुछ है, परंतु एक पुत्र का सुख नहीं है। अच्छा, पुत्र नहीं था उनके पास? हमने उसको आशीर्वाद दिया, जाओ तुम पर नहीं तुम्हारी पत्नी पर कुछ दिन में पुत्र हो जाएगा। अच्छा जी, हमने आशीर्वाद दिया, अब हम चल बसे। चल बसे मर गए? नहीं, वहाँ से निकल पड़े। अच्छा, वहाँ से आ गए आप? अच्छा अच्छा अच्छा। और छह महीने के बाद में, छह महीने उसी रास्ते पर गुजर रहे थे, फिर मर गए थे? नहीं, जा रहे थे। अच्छा, गुजर रहे थे। हाँ, तो वहाँ हमने देखा लाला लखपत राय अपना इकलौता पुत्र खिला रहे थे। कैसे? सकल से सकल मिला रहे थे। कैसे मिला? कैसे मिला रहे थे? लाला कौन? लुरु लुरु पुचर पुचर। कितना मकबूल है, क्या नाम है? आरेश। आरेश? हाँ। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? राजबहादुर। राजबहादुर? तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है? है नहीं है। ए? नहीं है पत्नी? नहीं है तो बच्चों का क्या नाम है? शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आएंगे? अच्छा, ये तो जानता है, शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आते हैं। कोई बात नहीं, जब तेरे बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं, तू हमारा बच्चा है, हम तेरी औलाद है। ठीक है, ये आपका आशीर्वाद है? ये आशीर्वाद लाला लखपत राय का इकलौता पुत्र, आपका आशीर्वाद तभी ऐसा ही। हाँ जी, तेज है बहुत लाला चटर हुआ। हाँ, कैसे खिला रहे हैं? कैसे खिला रहे हैं? गोदी में खिला रहे हैं? गोदी में खिला। और लाला जायो है हमारे यहाँ, लाला जायो है, लाला जायो है, लाला जायो है हमारे यहाँ, लाला जायो है हमारे यहाँ, लाला जायो है हमारे यहाँ, लाला जायो है हमारी लाला। आइए आगे, सबसे पहले लाला लखपत राय की कहाँ नजर जाती है? कहाँ जाती है बच्चों? ये क्या है, शर्माओ नहीं, बताओ ये क्या है? बाल। और इसके बाल किससे मिलते जुलते हैं? किससे मिलते हैं?
और बालिया की बाबा केसेरे, बालिया की बाबा केसेरे, ओ बाबा केसेरे, बालिया की बाबा केसेरे, बालिया की बाबा केसेरे। आराम से आराम से, क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके बाद किससे मिलते हैं? किससे मिलते हैं? हंसो मत, चक्कर पड़ जाएगा। बात हंसने की नहीं। फिर उसके बाद में नजर कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? ये क्या है बच्चों? मत्था, माथो, हमारी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? ब्रज भाषा में बोलते हैं माथो। और इसका माथो किससे मिलता जुलता है? किससे मिलता जुलता है? और मथो यज्ञ मामा कोसोरे, मथो यज्ञ मामा कोसोरे, हो मामा कोसोरे, मथो यज्ञ मामा कोसोरे, मथो यज्ञ मामा कोसोरे। इसका मथा इसके मामा से मिलता जुलता है। अच्छा, मामा जी से। फिर उसके बाद में